हेलो दोस्तों, किरण किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दोस्तों मिल्क मैगी की रेसिपी बताऊंगी, जो कि बहुत ही हेल्दी होती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने ले लिया एक पैन और उसको मैंने हीट करने के लिए गैस पर रख दिया है। और अब हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे, छोटा गिलास है दोस्तों पानी, क्योंकि हम ये एक ही मैगी बना रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ये एक छोटा गिलास पानी डाल दिया है। अब दोस्तों आप इसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए पानी को। आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए, पिंच ऑफ। तो यहाँ पे मैं पिंच ऑफ सॉल्ट डाल रही हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों पानी में बॉईल आ गया है। तो यहाँ पे मैंने एक ये नेस्ले की मैगी ली है, 2 मिनट्स मैगी, तो वो हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप डाल दीजिए और इसको दोस्तों आप बॉईल कर लीजिए अच्छे से पानी में। मैंने दोस्तों इस यहाँ पर मैगी को तोड़ कर डाला, आप इसको पूरा भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बॉईल होने तक इसको पका ले। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी मैगी बॉईल हो गई है। तो यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम को ऑफ करती हूँ और दोस्तों हम इसको छान लेंगे अच्छे से, पानी को ड्रेन कर देंगे इसके अंदर से। तो दोस्तों मैगी को हमने ड्रेन कर लिया है। यहाँ पे मैंने पैन को दोबारा से हीट करने के लिए रखा है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा बटर, इसको हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बटर मेल्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी 1/4 टीस्पून और 1 चम्मच के करीब मैं इसमें मैदा डालूंगी। तो दोस्तों अब इसको आप ऐसे मिक्स कर लीजिए। तो दोस्तों ये हमारा भुन गया है। तो हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे और दोस्तों इसको चला लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी एक थिक सॉस रेडी हो गई है, व्हाइट सॉस। तो हम इसमें अपनी मैगी डाल देंगे जो हमने बॉईल करी थी। तो यहाँ पे मैंने मैगी डाल दिया है। अब इसको आप हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिए सॉस के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने मैगी को मिक्स कर दिया है, बॉइल्ड मैगी को। और अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूंगी और थोड़ा सा मैं इसमें ओरिगैनो स्प्रिंकल करूंगी। पिंच ऑफ मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी और अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहो तो इसमें फ्रोजन मटर डाल सकते हैं। तो आप दोस्तों आप इसको 2 मिनट के लिए पका लीजिए और फिर ये बन के रेडी है बिल्कुल। तो दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये मिल्क मैगी बन के हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्व कर देते हैं। गैस की फ्लेम को यहाँ पर हम ऑफ करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे मिल्क मैगी को अपने सर्व कर दिया है, आप इसको गर्मा गर्म परोसे। तो दोस्तों अगर आपको ये मिल्क मैगी की रेसिपी मेरी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो गुड बाय दोस्तों।